हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये देखिए रॉटवाइलर है, छोटू सा रॉटवाइलर। राइट नाउ आई हैव द फाइनेस्ट रॉटवाइलर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है ऐसी ब्रीड जब हमें मिलती है ना। इवन जब मैंने देखा, जब इसके ओनर ने इसको बॉक्स से निकाला, तो ये जस्ट अपनी मदर से अभी जस्ट आया है। काफ़ी छोटा पप्पी है ना छोटू? कितने छोटू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी से, पेट एसोसिएशन से। आज हमारे पास देखिए छोटा सा रॉटवाइलर है। बहुत सारे लोग जो पेट लवर्स हैं, जिनको रॉटवाइलर्स या कोई भी अदर ब्रीड्स रखना बहुत पसंद है, तो आज का ये जो वीडियो है रॉटवाइलर के ऊपर। रॉटवाइलर बेसिकली, रॉटवाइलर का जो ओरिजिन है वो जर्मनी से है, ठीक है। रॉटवाइलर बहुत ही ज़बरदस्त मस्कुलर ब्रीड होती है। जो इनकी लेंथ होती है 26 से 28 इंच तक हो जाती है मेल की, 23-24 इंच तक फीमेल की होती है। ये सिक्योरिटी गार्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, फाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, और ये कम्प्लीटली पंच फेस पपी है। एक अच्छा बच्चा आपको हमेशा इस पोज में, इस पोजीशन में आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, मजल है, ठीक है, इसके रिंकल्स हैं। ये देखिए, इसका माथा यहाँ से शुरू हो रहा है, एक उंगली बस इसका फेस है, एक उंगली यानी एक इंच में है ना। बैक कर दीजिए, फेस कंप्लीटली पंच है, डार्क है, और फेस बहुत अच्छा है, मार्किंग बहुत अच्छी है, और प्रॉपर आइडियल डॉट है। तो जब भी आप रॉटवाइलर लें, इन तीन मुख्य बातों का ध्यान रखें। फेस शुड बी पंच, अंदर की ओर होना चाहिए, नोज ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। और रॉटवाइलर में भी दो तरीके के रॉटवाइलर होते हैं, एक जर्मन रॉटवाइलर होता है, दूसरा यूरोपियन रॉटवाइलर या अमेरिकन रॉटवाइलर भी समटाइम्स लोग कहते हैं। यूरोपियन रॉटवाइलर ही एक तरीके से जर्मन रॉटवाइलर होता है, क्योंकि यूरोप में ही जर्मनी है, यूरोप के अंदर जर्मनी है, ठीक है। तो ये जो पपी आप देख रहे हैं, इसके देखिए छोटी सी जीभ है, अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो, ये बाहर निकाले हुए हैं, और इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है इतनी तेज रोशनी जो कि फ्लैश लाइट की है, कहाँ से आ रही है। और एक अच्छे रॉटवाइलर में हमेशा मैंने ये चीज गौर की है कि पंजों पे भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए हल्के हल्के से, ये कभी कभी आगे जाके रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते हैं। इस पे देखिए मार्किंग बहुत अच्छी है, एक लाइन के अच्छे डॉग की जो मार्किंग होती है उनमें अधिकतर आप डॉबरमैन भी, एक अच्छे डॉबरमैन में भी आप ये चीज़ें पाएंगे, ठीक है। कान हमेशा चिपके हुए होते हैं, दबे हुए, टेल इनकी सीधी रहती है, ऐसे नहीं रहती, या तो नीचे की ओर रहती है या तो स्ट्रेट रहती है, ऐसे। बहुत अच्छा रॉटवाइलर है। रॉटवाइलर कई बार मैं मिथ सुनता हूँ लोगों के मुँह से कि रॉटवाइलर मालिक को खा जाता है, वफ़ादार नहीं होता, मालिक को भी काट लेता है, मालिक के प्रति वफ़ादार नहीं होता, ऐसे करता है वैसे करता है। इट्स ऑल मिथ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये उतना ही वफ़ादार है हमारे आपके लिए जितने की जर्मन शेफर्ड, जितने की लैब्राडोर, जितने की डॉग अर्जेंटिनो, जितने की केन कॉर्सोस, और जितना की ये बच्चा। और रेयरली दिन भर में मेरे हाथ में 60-70-80 पप्स होते हैं, कभी आते जाते रहते हैं, कभी कोई चेकअप के लिए आता है, कभी कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है, कभी कोई चेक कराने आता है प्योरिटी। तो बहुत कम ऐसे पप्स हैं जिनसे मुझे खेलने का मन करता है। ये उन बच्चों में से एक है जिनसे मुझे खेलने में मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है। और इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट माँ से अलग हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा हम कौन है, है ना हम कौन है ना। अरे बाप रे, जमा यार ये क्या भैया को, इतना छोटा सा है नहीं है। अभी इसको माँ के पास वापस से मैं भेज दूँगा। ये मेरे पास आया है दिखने के लिए कि ये कैसी क्वालिटी है, तो जब ओनर ने निकाला तो मैंने कहा भाई पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसी क्वालिटी है, ये बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड बाप क्वालिटी। ये मेरा दिया हुआ शब्द है, SDK में बाप क्वालिटी मतलब ये, सो दिस इज़ द बाप क्वालिटी। फेस देखिए इस बाप का, और जब ये रेडी होगा ना गाइस, 40-45 डेज का जब ये होगा पपी, अभी तो ये 30 डेज अराउंड है, तब बहुत आलीशान
पर्सनैलिटी के साथ ये तैयार होगा ये बच्चा, और निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो रॉटवेलर को आप अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, ओपन जगह हो, ओपन पार्क हो, गार्डन हो, तो वर्ल्ड का बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट बात है ये। बट अगर आपका घर छोटा है फिर भी आप इसको रखें, इसको वर्कआउट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये वर्किंग लाइन का डॉग है, आप इसको बांध के नहीं रख सकते। आपको सुबह एक घंटा, शाम को एक घंटा इन्हें वॉक पे ले जाना ही ले जाना है, या रनिंग करानी है, दौड़ कराना है। जब तक आप इसे वॉक नहीं कराएंगे, रनिंग नहीं कराएंगे, ये दौड़ेगा नहीं, तो इसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा। तो जितना भी ये अच्छे से अच्छा खाएगा डाइजेस्ट नहीं करेगा, और जब तक डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक अच्छी ग्रोथ नहीं पाएगा। तो अच्छे खाने से भी ज़्यादा बेहतर है पाचक रस का पेट में बनना। तो पाचक रस तभी बनेगा, डाइजेशन तभी अच्छा होगा जब ये वर्कआउट करेगा। खिलाइए, खिलाने के बाद खूब इसको चलवाइए या दौड़ाइए ताकि ये थके। जब ये थक जाएगा इसका कलर और खिलेगा, इसका हेड और ग्रोथ करेगा, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि रॉटवेलर के बारे में जो ये मिथ है ना कि मालिक को काट लेता है, अग्रेसिव होता है बच्चों के साथ, बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास मेरे फार्म पे 13, कल एक फीमेल और हमने लिया, 14 रॉटवेलर फीमेल है। और जो भी हमारे फार्म के मैनेजर हैं, जो फार्म को प्रॉपर मैनेज करते हैं, उनकी बिटिया है 3 साल की, वो जाती है फार्म के अंदर, खेलती है और सहलाती है, कभी कभी हम लोग उसके ऊपर बैठा देते हैं, घुड़सवारी करा देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता गाइस। सो इट्स जस्ट अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स जस्ट अबाउट ओनरशिप। जैसा ओनर होता है वैसे रॉटवाइलर्स होते हैं, तो आप जैसा रखेंगे ये वैसा रहेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।